मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल के मैदान में निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर में नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि निकाय चुनाव चल रहा है, इस बार निगम में पूरे 79 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए, तभी सभी वार्डों का विकास होगा, क्योंकि एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। अगर निगम में एक भी पार्षद किसी अन्य राजनीतिक दल का होगा तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, इसलिए कोई भूल ना हो और महापौर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश को वोट करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वार्ड नंबर 80 की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी पूनम सिंह को निर्विरोध निर्वाचित करवाया। अब इस वार्ड में पूरा विकास होगा और लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, संकट के समय में हमेशा भाजपा साथ थी, लोगों को निःशुल्क राशन मिला और फ्री वैक्सीन लगा और करोड़ों लोगों को शौचालय मिल रहा है और 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड से इलाज मिल रहा है और प्रदेश हर घर नल की योजना से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ सभी को दिया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जितने बाबा बच्चा आए हैं, जितने नए वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, विकास की राजनीति पर जात पात की राजनीति ध्वस्त हो गई, भ्रष्टाचारी नाश हो गया है, माफिया लोगों का हाल बा ये आप लोग देख ही रहे हैं, लुटेरे गंदी नियत वालों का क्या हाल है आप लोग देख रहे हैं। 2017 के पहले जो लूट के खा गए लुटेरे, उनकी भी हालत क्या है लोग देखा ताड़ा हो मत भूलिया। रामराज का रामेश्वर सिंह जी के हम स्वागत कर, सीताराम जायसवाल जी के निवर्तमान महापौर उनके स्वागत पर, चिरंजीवी चौरसिया जी के विश्वजीत कांशु आशु जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, कुशुदत्त जैन जी, अमित किशोर अग्रवाल जी, ईपी केमाल जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, श्री राहुल श्रीवास्तव जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, श्री अच्युतानंद साही जी, इंद्रमणी उपाध्याय जी, श्रीमती पूनम सिंह जी और मंशा सिंह जी, उनका नाम छूट कर लोगों को बड़ा महत्व जीवन। लेकिन ये चुनाव और ये चुनाव दोनों पार्षद के चुनाव ना सारे हमारे योद्धा बैठे हैं, सारे पार्षद लोग सब शेर बैठे हैं, वाह शेर लोग, तो ये चुनाव करो पार्षद का चुनाव ना हो, ये चुनाव करो महापौर का चुनाव ना हो, यही गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। ये चुनाव कोनो पार्षद का नहीं है ना महापौर का है, तुलसी महाराज जी आए हैं, पूरा जिला घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, बिना खाए पिए निरंतर दौड़ रहे हैं मेरे महाराज जी, कारण कि ये चुनाव सीधे 5-6 महीने बाद लोकसभा में मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जुड़ जाएगा। तो भैया हो हाथ जोड़ के निवरा, गलती मत करिएगा, विरोधियों को विपक्षियों को जो मेरे प्रधानमंत्री को कल जहरीला नाम और सांप बोले वो खड़े साहब, इन लोगों की मानसिकता इतनी जहरीली है, ये आतंकवादी की सोच के लोग, ये लुटेरे लोग ये चाह रहे हैं कि कैसे कब्जा करें, एक भी पार्षद दे देगा, याद रखिए
एक भी को 500 जीता के दे दिए तो बोले देखा हो महाराज जी की गोरखपुर में का हो गया, हमारा चाट है 500 जीत गई महाराज जी का, समझ गए विरोध की दुष्टता, विरोध की सोच, इनकी घिनौनी सोच जिसने उत्तर प्रदेश को खा लिया था, माफिया जिया चाहते थे, वो डोमी चलती थी, हत्या होती थी, मां बहनों के साथ छेड़खानी होकर जमीन कब्जा थाने में आप फंसाया नहीं कर सके, मारे गोजी गोजी छोटी जात को लोग मार के गिरा देते। श्री भोला सुसार श्री नरेंद्र मध्य श्री राम के श्री कृष्ण के जनई और राजा अरविंद राज के नेतृत्व गोरखपुर में महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव के लिए आयोजित आज की सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सैजानंद राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, निकाय चुनाव के यहाँ के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे विधायक गण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, रमाकांत निषाद जी, इंजीनियर पी के मल जी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी पदाधिकारी का, उपस्थित गोरखपुर के सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले राप्ती नगर वार्ड नंबर 80 के मतदाताओं को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने श्रीमती पूनम सिंह जी को ये सबसे बड़ी ताकत है कि हम आपस में संवाद बना करके किसी को चुनाव करें। मैं इसलिए भाइयों बहनों आज प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बड़े कार्य के लिए बड़ी सोच भी चाहिए, बड़ी सोच के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना। लेकिन सामान्य दिनों में कोई भी पूछता है, कोई भी हर व्यक्ति आपके लिए बोलेगा कि मैं आपका एमएससी हूं फलाना, लेकिन जब संकट आएगा तब कोई पूछे ना। याद करिए कोरोना इस सदी का सबसे बड़ा संकट था, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ फ्री में सब हुआ ना, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। पंकज उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोज दी गई है, 15 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन भूखो नहीं मरनी चाहिए, जनता जनार्दन का लोकतंत्र में जनार्दन का रूप होती है उसका सम्मान देना, उनके हितों के लिए कार्य करना। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज प्राप्त होना, करोड़ों लोगों को मकान मिल जाना, करोड़ों लोगों को शौचालय मिलना, करोड़ों लोगों को तमाम प्रकार की उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल जाना, विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, ये नए भारत की नई तस्वीर कहती है। घर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना और उत्तर प्रदेश ने उस प्रक्रिया में दूर हो जाए, प्रधानमंत्री जी के विजन को अपने मिशन बना करके सामने पड़ेगी है, आज उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ हर नल को बिना भेदभाव के दिया। हमने किसी की जाति नहीं मत और मजहब नहीं देखा, ठीक बात, सीधा बात, किसी की जाति नहीं पूछी, श्रेणी में आता है प्राथमिकता के आधार पर उसे मकान दिया गया, 54 लाख गरीबों को एक एक आवास
मेरे गोरखपुर शहर के अंदर कोई कल्पना करेगा कि 35,000 गरीबों को एक एक आवास मिल चुका है गोरखपुर सिटी में। एक गरीब जिसने कभी मकान नहीं देखा हो उस पर उसकी गरीबी पर हंसने की बजाय शासन की योजना से जोड़ करके उसको 2,500 रुपए का मकान दे दिया, उसका जीवन बिगड़ गया, उसके घर में शौचालय बना दिया, उसको मुद्रा योजना से लोन दिला दिया, विकास की योजनाओं के साथ जोड़ दिया। यह है परिवर्तन। प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय दिया गया, 1,75,00,000 गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, और अभी हम लोग दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे उन परिवारों को, फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर। आज गोरखपुर में क्या नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी क्या नहीं है, गोरखपुर में एम्स भी है, ब्लड मेडिकल कॉलेज भी है, और गोरखपुर में जू भी है, चिड़ियाघर, ऑडिटोरियम के लिए यहां आंदोलन होता था, 1200 क्षमता बैठने का एक भव्य ऑडिटोरियम भी, पूरा एसी है वह भी है, और फिल्मों में कार्य करने के इच्छुक लोगों के लिए रामगढ़ ताल के किनारे बेहतरीन केंद्र भी मिल गया है, सब कुछ है, अच्छे विश्वविद्यालय, 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर सिटी के अंदर बने, गोरखपुर में बने, गोरखपुर के युवाओं के। पहले क्या होता था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती है, आज रंगदारी नहीं वसूली होती है, आज तो व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाता है, ऋण यानी ब्याज मुक्त ऋण, और अगर किसी व्यापारी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो 10,00,000 रुपए की उसे बीमा कवर, सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया जाता है। पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के जगह जगह दहशत पैदा करते थे, आज तमंचा नहीं, आज युवाओं के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट आप देख रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, ये सुविधा क्या जा रहा है, 1 करोड़ गरीबों को, राशि पहला दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं, ये जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा कर दिया, इसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और इसी जातिवाद की राजनीति ने माफिया पैदा किए, ये माफिया जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों के व्यापार पर जबरन हड़पने का कार्य करते थे, जो पहले सीना तान करके चलते थे 6 वर्ष पहले, आज आप देखते होंगे वही माफिया जान की भीख मांगते हुए गले में तक भी लटका कर परिवर्तन, और उस परिवर्तन के लिए हम सबको भी तैयार होना, विकास का जो पैसा आए बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए अच्छा बोर्ड बने, ये नगर निगम का दायित्व बनता है, इसका माध्यम बनेगा, अच्छी गलियां बने, जल निकासी की व्यवस्था हो, सिविल लाइन पड़े, लटकते हुए झूलते हुए तार न हो, बल्कि अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से जहां लटकते हुए तारों से मुक्ति हो, वहीं हर घर नल की योजना के साथ हर गली में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट चले, इसका लाभ हो, सिटी सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से सेफ सिटी बने, शोधों का आतंक न हो, बल्कि सेफ सिटी बने, शहर कूड़े का ढेर न लगे, बल्कि शहर स्मार्ट सिटी बने, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की क्षमता आपके गोरखपुर में भी है, तैयार तो होइए, इसलिए हमने नए वार्ड भी बाहर बाहर के नए गांव को भी इसके साथ जोड़ा है, विकास का लाभ गांव में भी मिलना चाहिए, और भाइयों बहनों इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना, इसके लिए इसके साथ जुड़ना, और इस
इसी के लिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे मिलने। आपने हमेशा कमल चुनाव चिन्ह का साथ दिया, लेकिन इस बार फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाएंगे, फुल मेजोरिटी का बोर्ड। डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव महापौर बने तो उनके साथ 80 में से 80 पार्षद भी कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे, जिससे एक एक पाई, एक एक गली तक, एक एक गली तक, एक एक वार्ड तक विकास का पैसा पहुंच जाए। और भाइयों बहनों, इसीलिए एक योग्य चिकित्सक को यह दायित्व भरतपुर महानगर के तरफ देने जा रहे हैं। वार्डों के हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी भी आए हुए हैं, लंबी संख्या है, मैं उनको नाम बोलूंगा, वे अपने मंच पर खड़े होकर के अभिवादन कर लेंगे। माधवनगर से विजय कुमार सहनी, मठा से शशांक सोमकर, संधारी से जागृति कुमारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर से धर्मवीर चौहान, लक्ष्मीपुर से वीर सिंह सोनकर, नगर से आनंद कुमार सानी, विकास नगर से, और छुट्टी का दिन होगा, सुबह से ही मतदान केंद्र पर लाइन लगाने की आवश्यकता है, और पहले मतदान तब जलपान। यह रवि किशन की तरह उल्टा मत बोल देना कि पहले जलपान फिर मतदान, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि वो कालीवाड़ी के बाबा से बात कर रहे थे तो यही बोल रहे थे कि पहले जलपान फिर मतदान। तो मैंने कहा भी नहीं, उल्टा मत करो, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान, इसके लिए सुबह से लोगों को जगाना, क्योंकि तो अगर धूप रहेगी बहुत सारे लोगों को धूप लगती है, तो पहले से मतदान करने की लाइन में खड़ा हो जाए, मतदाता सूची में पहले से नाम देख लेना, और एक एक मतदाता को बताने की आवश्यकता है। जो नए वार्ड आए हैं याद रखना, उन वार्डों में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहने पाएगा, सबको गरीब को मकान मिलेगा, जिनके घर में शौचालय नहीं वहां शौचालय मिलेगा, बिजली जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, अच्छी सड़कें बनेगी, जमीन के दाम बढ़ेंगे, नए रोजगार सृजित होंगे, नए नए कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पार्क बनेंगे, और मंच पर उपस्थित सांसद इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद प्रत्याशी ऋषि मोहन वर्मा, राजेंद्र तिवारी, अशोक कुमार मिश्र, मुक्तेश केशी त्रिपाठी ने कहा, महापौर के चुनाव को देखते हुए आज यह सभा का आयोजन किया गया है, विशाल जनसभा, पूज महाराज जी ने अपना जनसंदेश दिया है, महापौर ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जनता का पूर्ण समर्थन उनको प्राप्त है, आज की ये सभा ये संदेश दे रही है। पूज महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों के सभी जितने पार्षद प्रत्याशी है सभी लोगों के है, उनके सर पर है, और पूरी गोरखपुर की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, तो सभी जनता 4 तारीख को महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और हमारे जितने 80 पार्षद हैं प्रत्याशी सबके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, सारी जनता एक शुभ मत मनाती है कि कमल के फूल पर मतदान करेगी। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र तिवारी, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 36 रोहिया, वार्ड नंबर 3 राम जानकी नगर में आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। महाराज जी के दिशा निर्देश पर हम लोग काम करेंगे और मोहल्ले का विकास करेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए, ताकि केंद्र और प्रदेश के पैसे का सदुपयोग महानगर में हो, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और उनके अनुरूप काम करेंगे। अशोक कुमार मिश्र, राम जानकी नगर, वार्ड नंबर 53, प्रत्याशी पद। मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही संबोधित हुआ है कि अपने मंगलेश श्रीवास्तव के साथ साथ सारे वार्डों में भाजपा का ही प्रत्याशी चुना जाए। क्या लग रहा है, कितना समर्थन प्राप्त है जनता का? पूरा पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है जनता, बिल्कुल बिल्कुल। मुक्त केसी त्रिपाठी।